नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। इस बुलेटिन में चुनाव की हर गतिविधियों को दिखाएंगे और पूरे जिले का हाल भी बताएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। लोकसभा के उपचुनाव में हुआ 47.45% मतदान, मतदाताओं में दिखा उत्साह। रिटर्निंग ऑफिसर व डीएम राजीव रौतेला और एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने लिया बूथों का जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले किया बूथ पर मतदान, कहा जबरदस्त जीत हासिल करेंगे उपेंद्र दत्त शुक्ला। गठजोड़ की राजनीति से भ्रमित है जनता। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने भी दबाया ईवीएम का बटन, कहा ऐतिहासिक जीत होने जा रही है भाजपा की। जिला प्रशासन और गोरखपुर न्यूज की अपील का हुआ सीधा असर। नगर निगम चुनाव से भी ज्यादा पड़े लोकसभा उपचुनाव में वोट। गोरखपुर न्यूज ने की थी सेल्फी की अनोखी पहल। मतदान कराकर लौट रही पोलिंग पार्टियां, अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखे गए ईवीएम। कांग्रेस प्रत्याशी सुरीता करीम ने भी डाला अपना वोट। गोरखपुर न्यूज से कहा जनता चाहती है परिवर्तन। भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल ने किया मतदान, कहा निश्चित होगी जीत। सपा उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने भी किया मतदान, कहा गोरखपुर की जनता देगी साइकिल को आशीर्वाद। ईवीएम की खराबी से मतदाताओं में रोष, प्रशासन ने दिखाई मुस्तैदी, तुरंत बदला ईवीएम मशीन। गोरखपुर के घोसीपुर का है मामला। और 50 बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए की गई निगरानी, कंट्रोल रूम से मिलता रहा पल पल का खबर। अब खबरें विस्तार से। लोकतंत्र के महापर्व में रविवार को लोकसभा उपचुनाव में मतदाताओं ने अपने मतों का जमकर प्रयोग किया। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के उपनिर्वाचन का रविवार को 2141 बूथों पर 47.45% वोट पड़े, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए थे। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए बूथों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई थी, जिस पर मतदाताओं को बूथों तक पहुंचाया गया। क्षेत्र में पड़ने वाले मतदान की जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला, एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज भी निगरानी करते रहे। पटेल स्मारक इंटर कॉलेज भटहट, केंद्रीय विद्यालय फर्टिलाइजर, मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज भगवानपुर सहित अन्य बूथों पर पहुंचकर डीएम और एसएसपी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मतदाताओं से ईवीएम और वीवीपैट की संतुष्टि के बारे में जानकारी भी ली। गोरखपुर संसदीय सीट के उपनिर्वाचन में मतदान करने वाले मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। प्रातः 7 बजे से आरंभ हुए मतदान में 9 बजे तक 7%, 11 बजे तक 17%, 1 बजे तक 30% और 3 बजे तक 37% मतदान हुआ था। रविवार शाम 5 बजे तक 47.45% मतदान हुआ। ये जानकारी जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने देते हुए बताया कि विधानसभावार कैंपियरगंज में 49.43%, पिपराइच में 52.24%, गोरखपुर शहर में 37.76%, गोरखपुर ग्रामीण में 45.74% और सहजनवा में 50.07% मतदान हुआ। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मतदाताओं ने कहा और
उन चीज का उपयोग उत्तर प्रदेश में आज पाली 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 आगे वाले उठाओ नहीं भाई अरे सामने से ना आप लोग जहाँ है वहीं कोई अनुशासन नहीं तोड़ेगा जो जहाँ है वहीं क्योंकि इससे बचे आज जाने पार्ट बैठ नहीं देंगे बिल्कुल जहाँ आप लोग हैं वहीं रहिए आप लोग अपनी जगह बनाए रखिएगा आप ऐसे ही लगाइए ना वैसे और थोड़ा सा पीछे हल्का सा लेके सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त देख रहे हैं विद्यालय गोरखनाथ और मतदान करने के लिए खुद सीएम आप कहें कि अभी शुरुआत हुई है मतदान की मतदान के अंदर जब कोरोना की चल रहा है प्रतिबंधी है और आप देख सकते हैं कि साफ मतदान स्थल में अंदर है और मतदान कर रहे हैं सवेरे सवेरे ही उम्मीद करूंगा कि आप उसे बता रहे हैं बाहर निकल रहे हैं और भाई कौन बुलाई थे आ रहे मुफ्ती साहब भैया प्रणाम और मेरे भाई भाई जब भी आएगा फोटो बन गया कष्ट हुआ है तो मैं क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मेरे मतदान का गेट इधर है नहीं हम लोग उधर इंतजार कर रहे हैं रिकॉर्डिंग होती है बात नहीं है मैम अभी रुक जाए 5 सेकंड और
अभिषेक ओके भैया आप लोग अरे भैया इतना वीडियो वीडियो तुरंत वीडियो अब वोट डालने के बाद पप्पू या पीछे जाइए कह रहे हाँ बहुत सही थोड़ा और उधर दब जाइए आप लोग ना भाई उसमें जाइए किसने और न्यूज़ देखा जाता है पकड़ के ले जाता हूँ बताने के लिए पियलो है पियलो ठीक है और कौन क्या कुछ है इस नाते पिछली बार भी विधानसभा करवाया था व्यवस्था मॉडल गुत्ता सर ना हाँ मॉडल आ रहा है
चार ही हो अच्छे चलो मेवा लाल ने लक्ष्मण सुन लो आप मेवा लाल में संजीव कुमार और दिलीप कुमार टाइप का क्रांति फिल्म देखी आपने अपना कार्य नहीं देखा उसी से स्टेटस बनाने में सुल्तान स्कूल है हाथ बचल गया जंगल कौड़िया साइड चलो जंगल बरगदवान भी तो हो गया कोई पास पड़ेगा बरगदवान ही हेलो और भी तो सेंड कर रहे हैं हाँ जी हाँ क्या वो अभी वीवीपैट आया आपके यहाँ वहाँ एकदम घूम लेते हैं जंगल कौड़िया में कहाँ है लेकर आ गए ठीक है तो अभी जंगल कौड़िया रास्ते में दिखाइए जी जंगल साइड चलिए ठीक है हेलो फिर आ रहा मैं देखिए आप ले लीजिए एंड्रॉल भी करा दीजिए फोटो वोटो स्लिप तो अपने आप तक आती है वही बन रहा है सर उसमें है नहीं वहाँ तो है लेकिन अभी लंच में जल्दी आया है कुछ बता दें चिंता नहीं बन रहा बंद बना लिए सर भाई चौ 35-40 हज़ार रुपया देखिए वो आ गया उसमें जाइए किसमें पहली बार हम लोगों ने वोट दिया है बहुत अच्छा लगा जबकि हम लोगों ने 18 साल के एबव हो गए हैं तो इसलिए हम लोग का अधिकार है कि वोट देना तो सबसे निवेदन है कि वो वोट दें आए और उनको अच्छा लगेगा सरकार सरकार बनी हम खुद चाहते हैं कि अच्छी सरकार मिले तो इसलिए उनका हक है वोट देने का।
तो आइए सब आए और वोट दें और एक नई सरकार बनाए, अच्छी सरकार बना। पहली बार वोट दिए, अच्छा लगा। वोट देने का अधिकार है सबका, तो किस क्या चाहती हैं, क्यों वोट दिए? अच्छी सरकार बने। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रुकैया बानू। दूसरी बार वोट दिया है और हम एक अच्छा सरकार चाहते हैं जो कि हमारे शासन के लिए, हमारे लिए अच्छी हो और बस एक सुदृढ़ व्यवस्था कायम हो। पहली बार वोट दिए आप? जी हम पहली बार वोट दिए हैं और हमें वोट देकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छी सरकार बने। क्या नाम आपका? मेरा नाम सभा परवीर। कितनी बार वोट दे चुकी हैं? पहली बार। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो क्या चाहते हैं, सब लोग वोट दें? हाँ सब लोग दें, सबको देना चाहिए। क्यों? हमारा अधिकार है ये। में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है बल्कि सुविधा हुई है। वोट देने के बाद उसमें जिस पार्टी को आप टिकट वोट दे रहे हैं स्पष्ट उस पर दिख रहा है कि हमने किसको वोट दिया है। ये बड़ी अच्छी पहल है चुनाव आयोग के लिए और हम सब उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हमें पता तो चले कि हम किसको दिए और करंट में हम जान लेते हैं इससे अच्छी सुविधा क्या होनी चाहिए। मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूँ निर्वाचन आयोग कार्यालय को और आयोग को। पानी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं सर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन एक कमी तो ज़रूर है कि जो वोटर लिस्ट बने हैं, वोटर इतना बोकस है उसको डिस्ट्रॉय करा करके एक नया वोटर लिस्ट बनाने की ज़रूरत है और मोहल्ले वाइज बनाने की ज़रूरत है और आधार से लिंक कराने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वार्ड नंबर 10 का आदमी वोटर है तो चला गया है वार्ड नंबर 13-16 में, तो ये ठीक बात नहीं है क्योंकि ये लोग बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लोग पर्ची पा नहीं पाते हैं और वोट देने में असुविधा होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ चुनाव आयोग से कि जल्द से जल्द इसे पर निर्णय लें और अच्छी उसका लिस्ट बनाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चुनाव आयोग से यही निवेदन करेंगे कि जो भी पर्चियां हैं जो है समय से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जनता को जो है वोटर को, ताकि वो समय से वोट दे सके आकर के, नहीं तो ढूंढने में ही इतनी परेशानी होती, तमाम लोग जो है वापस चले जाते हैं जो है पर्ची न मिलने की वजह से, नाम वोटर लिस्ट में रहते हुए पर्ची नहीं मिल पाती है। अब येल्लो लोग कोई सक्रिय नहीं रहता है जो है 20 दिन पहले उनको वोटर लिस्ट मिल जाती है, फिर भी जो है कोई उसका काम जो है ठीक ना होने के नाते जो है चुनाव का परसेंटेज कम होगा। कम वोट देंगे तो इसे भी जो परसेंटेज आप वोट कम हो जाए। ये है लोकसभा उपचुनाव के लिए अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकालकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले निर्धारित बूथ पर जाकर प्राथमिक विद्यालय पुराना गोरखनाथ पर मतदान किया। मुख्यमंत्री अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकालकर सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर अपना वोट पोल करने आए थे। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की खूबसूरती का एक बहुत बड़ा जीता जागता नमूना है कि अगर स्वयं मुख्यमंत्री अपने निर्धारित बूथ पर आकर पोलिंग करते हैं तो ऐसे में आम नागरिक को किस तरह की प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है, सिर्फ इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। मतदान करने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सपा और बसपा या किसी भी पार्टी का गठजोड़ भाजपा के प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल को विजयी बनाने से रोक नहीं सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, आप ऐसे ही लगाइए ना, वैसे ही लगाइए और थोड़ा सा पीछे हल्का सा लेके सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त देख रहे हैं विद्यालय गोरखनाथ करने के लिए खुद सीएम आप कहें कि अभी शुरुआत हुई है मतदान की, और आप देख सकते हैं कि साफ मतदान स्थल में अंदर है और मतदान कर रहे हैं सवेरे सवेरे ही और पूजा पाठ कर पूजा पाठ करने के बाद आ गया
विकास और सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के इस मंत्र को पूरे देश ने स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और सुशासन के मंत्र को अंगीकार किया है। वंशवाद और जातिवाद की राजनीति को, अराजकता और जंगल राज की स्थिति पैदा करने वाली राजनीति को पूरी तरह नकारा है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और फूलपुर में आज उपचुनाव हो रहे हैं। मुझे पहला वोट डालने का अवसर प्राप्त हुआ है और मेरा विश्वास है कि अगर पहला मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है तो दोनों संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इन दोनों उपचुनावों को जीतेगी। अवसरवादी सौदेबाजी के राजनीतिक उस अपवित्र भ्रष्ट सौदेबाजी को एक सिरे से नकारेगी जो विकास और सुशासन का विरोधी है। और मुझे विश्वास है कि गोरखपुर और फूलपुर के सभी मतदाता भारी संख्या में मतदान करके उत्तर प्रदेश और केंद्र यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के गरीब कल्याणकारी योजनाएं, विकास की उन सभी योजनाओं के साथ साथ प्रदेश सरकार ने पिछले 11 महीनों के दौरान विकास के लिए, सुशासन के लिए जो भी प्रयास किए हैं इन सब पर अपना मोहर लगाएगी और अधिक से अधिक संख्या में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करके मतदान में भाग ले। महाराज जी ने समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी को, देखिए ये कोई असर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ने वाला है। गंगा यमुना में बहुत पानी बह गया है, प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। ये गठबंधन नहीं बल्कि सौदेबाजी है और राजनीतिक इस प्रकार के सोसेबाजी के लिए अब उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं। जो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस प्रकार की सौदेबाजी के जो सोसे चल रहे हैं सपा बसपा या कांग्रेस में, ये अब नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश में या इस देश में विकास और सुशासन ही अब मुद्दा रहेगा और जिनके पास ये मुद्दा होगा, जो प्रभावी ढंग से इसको क्रियान्वित करेंगे वही इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। जनता का समर्थन उसी को होगा। स्वाभाविक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास और सुशासन का नारा दिया, आज उसके अनुरूप अपनी नीतियों को पूरे देश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज के चुनाव में होने वाले सभी उपचुनावों को जीतेगी और 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः केंद्र में सरकार बनाएगी। महाराज जी उंगली लोकतंत्र के इस महापर्व पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में अपनी पत्नी जानकी शुक्ला के साथ वोट देने के बाद कहा कि भाजपा की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने कहा, केंद्रीय वित्त के मत हम डाल चुके हैं, उंगली इस बात की सबूत है और स्वाभाविक है कि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ही जीते थी, आपकी बार भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। उसके प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ला यहाँ से
और कौशलेंद्र पटेल फूलपुर से जीतेंगे, इसमें किसी प्रकार की शंका की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत भाव से आप देख रहे हैं कि हम लोग हंसते हुए वोट डाल रहे हैं। ये मान के चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी जितना वोट पाए थे उपेंद्र दत्त शुक्ल उससे अधिक वोट पा करके अब की बार उनके उत्तराधिकारी के रूप में संसद में जाएंगे। मैं कह रहा हूँ बढ़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी भी जितनी सभाओं में मेरे साथ रहे हैं उन्होंने यही कहा है कि भाई मेरा उत्तराधिकारी मुझसे अधिक होगा। अब कब वो 2 लाख की कह दिए मुझे नहीं जानकारी है। हम इस बात को जानते हैं कि मैं भी योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ के कार्यकर्ता जी जान से एक कार्यकर्ता के लिए लगा हुआ है जो कार्यकर्ता जी जान से कार्यकर्ताओं के साथ रहा करता था। योगी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा होगा क्योंकि हर सभाओं में उन्होंने ये कहा कि ये अंतर मुझसे बढ़ना चाहिए। तो बढ़ना चाहिए तो उनका उत्तराधिकारी बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन भी अपनी पूरी ताकत इस बात पर लगा दिया था कि अधिक से अधिक मतदान हो और गोरखपुर न्यूज ने भी अपनी अनोखी सेल्फी पहल से लोगों को जागरूक किया कि अधिक से अधिक मतदान करें। हमारे और जिला प्रशासन की अपील का असर ये हुआ कि पिछले दिनों नगर निगम चुनाव में जहाँ सिर्फ 35% ही वोट पड़े थे, इस लोकसभा उपचुनाव में 47.45% वोटिंग हुई है। इस उपचुनाव में भी लोगों ने नगर निगम जैसे स्थानीय मुद्दों पर आधारित चुनाव से ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली, जिससे यह साबित होता है कि जिला प्रशासन और गोरखपुर न्यूज की पहल ने असर तो जरूर दिखाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी गोरखपुर न्यूज की हर लोकतांत्रिक और सामाजिक पहल पर यह रंग लाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किस तरह का असर हुआ है हमारे इस अपील का। जी हाँ, गोरखपुर न्यूज चैनल की अपील का असर इतना जबरदस्त हुआ है कि जिसका नतीजा हम लोगों ने खुद भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये हो पाएगा। लगातार हमारे पास लोग वोट करके, मतदान करके अपनी सेल्फीज भेज रहे हैं। हमको अपने अलग स्टाफ यहाँ पे मंगाने पड़ गए। आज इतना ज़्यादा यहाँ पे सेल्फीज आने लगी, फिर हम लोग ने चाहा कि हर आदमी को जो भी सेल्फी भेज रहा है उसकी सेल्फी हम अपने स्क्रीन पे उसको जगह दें, लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से गोरखपुर न्यूज चैनल का पूरा परिवार आपको धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है। हमेशा इसी तरह से मतदान करते रहें। गोरखपुर लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए मतदान अधिक से अधिक हो, इसके लिए जहां एक ओर गोरखपुर जिला प्रशासन ने गत दिनों कई मुहिम चलाई, वहीं दूसरी ओर गोरखपुर न्यूज चैनल ने अपने लोकतांत्रिक और मीडिया धर्म को समझा और इसकी एक अनोखी पहल जिसके नतीजे से गोरखपुर न्यूज खुद भी हैरान हो गया। हमने अधिक से अधिक मतदान करने के लिए गोरखपुर न्यूज चैनल के माध्यम से अपील की थी कि आप वोट करें और वोट करने के बाद अपनी सेल्फी हमारे पास भेजें। हम उसे निश्चित रूप से अपने चैनल पे जगह देंगे और आपकी सेल्फी को पूरे गोरखपुर महानगर में जहां जहां तक हमारी पहुंच है वहां वहां तक फैलाएंगे। हमारी इस अपील का असर ऐसा हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते थे, चंद ही मिनटों में मतदान करके तुरंत लौटे लोगों ने अपनी अपनी सेल्फी हमारे चैनल के विशेष व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी शुरू कर दी। हमारा प्रयास था कि जिसका आपका भरपूर साथ मिला, यही लोकतंत्र की खूबसूरती का नायाब नमूना है। आप लगातार चैनल और यूट्यूब के माध्यम से अपनी तस्वीरें देखकर यह सोच रहे होंगे कि आपका किया हुआ यह मतदान जहां एक ओर लोकतंत्र को मजबूती देगा, वहीं आपकी यादों में हमेशा के लिए शुमार हो जाएगा कि हमने भी वोट किया था। हमने आपसे अपील की थी कि घर में ना बैठें, वोट देने जाएं, क्योंकि जिस तरह आप लोगों ने कुछ ही सालों में घर से निकलकर अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने का फैसला लिया और अभियान में साथ दिया,
और पोलियो नामक बीमारी लगभग हमारे भारत से अलविदा कहकर चली गई। ठीक उसी तरह से 11 मार्च को घर ना बैठकर आप लोगों ने इस लोकतंत्र के महापर्व में जो अपनी भागीदारी निभाई है उसके लिए आप अपने आप को खुद धन्यवाद करेंगे। लोकतंत्र को अगर ताकतवर बनाना है तो ऐसी अपील और ऐसे ही जागरूकता की जरूरत है। गोरखपुर न्यूज़ ने अधिक से अधिक मतदान को बढ़ावा देने के लिए यह एक नायाब तरीका अपनाया, क्योंकि गोरखपुर न्यूज़ ने इसे अपनी जिम्मेदारी माना और जिसका नतीजा उम्मीद से भी ज़्यादा नज़र आया। लोगों ने सेल्फी मिशन में इस तरह से भागीदारी ली कि हमें अपने कंट्रोल रूम में अलग से स्टाफ बुलाने पड़े ताकि आपके इस प्रयास को हम अधिक से अधिक अपने टीवी पर जगह दे सकें। ऐसा कोई भी सेल्फी भेजने वाला हमें यह नहीं कह सकता कि हमने उसकी सेल्फी को अपने स्क्रीन पे जगह नहीं दी। लोकतंत्र की खूबसूरती को निखारने का सोशल मीडिया किस तरह से एक यंत्र साबित हो सकता है यह हमने आपको करके दिखाया है। इसके साथ ही हम एक बार और अपने दर्शकों को यह भी कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने घरों में बैठकर पैर फैलाए इजी चेयर पर यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि देश का कुछ नहीं हो सकता। वो लोग जो आज मतदान नहीं किए हैं, हम जानते हैं आम आदमी को घर चलाना होता है, इसीलिए हम देश चलाने के लिए अपने नुमाइंदे को चुनते हैं और यही चुनने का अधिकार आपको भारतीय संविधान देता है। इस पर भी अगर हम मतदान वाले दिन छुट्टी मनाकर अपने घरों में या फिर कहीं और निष्क्रिय हो जाते हैं तो ये हमारे अधिकार की तौहीन है और ये तौहीन है उस 18 साल के व्यक्ति की जिसे भारतीय होने पर गर्व तो है लेकिन भारत निर्माण में वह अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। ये तौहीन है उस हर कामकाजी महिला और पुरुष की जो घंटों अपने घरों को चलाने के लिए काम तो करते हैं लेकिन देश को चलाने वाली तंत्र के लिए अपना एक वोट भी नहीं दे सकते। हम सलाम करते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे इस चैनल के माध्यम से की गई अपील पर मतदान किए और उसके बाद अपनी सेल्फियां भी हम तक पहुंचाईं। लोकतंत्र के इस त्यौहार पर अपनी भागीदारी के लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे इसी तरह की अपील का असर आने वाले समय में भी जरूर पड़ेगा।
लोकसभा उपचुनाव को संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां वापस विश्वविद्यालय परिसर में पहुंच गई, जहां विधानसभा वार लगाए गए स्टॉलों और पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों ने ईवीएम और वीवीपैट को जमा कराया। रविवार को गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के 2141 बूथों पर मतदान किया गया, जहां 10 मार्च को पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थी, जिसमें करीब 6500 मतदान कर्मी लगाए गए थे। रविवार को सभी बूथों से मतदान कराकर पोलिंग पार्टियां वापस आ गईं, जहां कला संकाय में गोरखपुर शहर विधानसभा, कन्वेंशन हॉल में गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा, पिपराइच सहजनवा तथा बैडमिंटन हॉल में जमा कराई गई और अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में इन्हें रख दिया गया। इस दौरान सभी एआरओ मौजूद रहे। उपनिर्वाचन के लिए सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें गोरखपुर के कांग्रेस प्रत्याशी सुरहिता करीम ने मतदान के बाद कुछ बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरहिता करीम प्रशासनिक व्यवस्था से संतुष्ट दिखी। गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान डॉक्टर सुरहिता करीम ने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है और ये परिवर्तन आएगा। उन्होंने इस संदर्भ में कहा, हालात लग रहे हैं? हालात तो अच्छे लग रहे हैं। आज अच्छे मतदाता दिख रहे हैं, वोटिंग पर हो रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता मेरे पक्ष में आएगी और इस बार एक परिवर्तन होगा। मैम, एक लंबा सामाजिक जीवन रहा है आपको, क्या इसको देख के जनता वोट देगी, चाहे कुछ उसके मिजाज बदलेंगे? देखिए, लोकसभा का चुनाव है, इसलिए जनता जो है केंद्र को एक संदेश देना चाह रही है कि जो नीतियां केंद्र की चल रही हैं उससे जनता खुश नहीं है और जनता को ये एक संकेत देने के लिए एक मौका मिल गया है, तो जनता उसका पूरा उपयोग करेगी, ऐसा मुझे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते।
जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार। दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार। वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा उपनिर्वाचन में गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल ने गंगोत्री देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अपने मत का प्रयोग किया और कहा कि जीतने के बाद सभी रुके हुए कार्यों को पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल ने गोरखपुर न्यूज से बातचीत करने के दौरान कहा, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में और सांसद के रूप में उन्होंने गोरखपुर का सर्वांगीण विकास किया है। आगे विकास की अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाएं उनके द्वारा लाई जाएंगी, तो विकास के बिंदु पर पूज्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। समाज के सभी वर्गों का भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्राप्त है। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, कोई जाति नहीं, कोई समाज नहीं, जहाँ मुझे असीम प्यार न मिला हो, आशीर्वाद न मिला हो, सबके मन में ये है कि योगी जी ने जो कुछ गोरखपुर को दिया वो 25 वर्षों में भी कोई सरकार नहीं दे सकती 11 महीने की छोटे कार्यकाल में। और समाज के सुख में दुख में सड़क से संसद तक गोरखपुर के सवाल पर उन्होंने संघर्ष किया है और मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उनके प्रतिनिधि के रूप में पार्टी के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देगी और मैं रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतूंगा। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? योगी जी के द्वारा जो प्रोजेक्ट विकास के यहाँ दिए गए हैं उनकी देख रेख करना, समय सीमा पर तैयार हो इसके लिए प्रयास करना और गोरखपुर का सर्वांगीण विकास हो इसके लिए प्रयास करना। लोकसभा उपनिर्वाचन में सपा के प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए निर्धारित बूथ पर जाकर वोटिंग की। वोटिंग करने के बाद अपने जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे प्रवीण निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता भाजपा को परख चुकी है, अब इस चुनाव में सपा की बारी है, जनता निश्चित रूप से सपा को ही अपना आशीर्वाद देगी। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, आज हम अपने मूल निवास ग्राम जंगल बब्बन चंदनिया के जंगल बब्बन इंटर कॉलेज में हमने मतदान किया और सबसे पहले हमने एक नंबर क्रमांक पर मतदान किया और आज देखने को मिला कि जनता भी हतोत्साहित है, बहुत ज़्यादा साइकिल के बटन को दबा रही है और निश्चित तौर पर आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो सवेरे सवेरे का जो उत्साह जनता का देखने को मिला कि आज 25 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट रहा है और निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने वाली है। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में जहां पर मतदान लगभग अधिकांश जगहों पर शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया गया, वहीं कुछ एक आध जगहों पर ईवीएम मशीन के थोड़ी देर की खराबी से लोगों में नाराजगी हो गई। मामला तिवारीपुर थाना अंतर्गत घोसीपुर का है, जहां पर कुछ देर के लिए ईवीएम मशीन खराब हो जाने से मतदान रुक गया। मतदान रुकने से कुछ लोगों में रोष आया, लेकिन जिला प्रशासन की मुस्तैदी से लोगों का गुस्सा उस समय ठंडा हो गया जब तत्काल प्रभाव से दूसरी ईवीएम मशीन निर्धारित बूथ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचा दी गई। जोनल मजिस्ट्रेट ने अपनी तत्परता के साथ अपने उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर ईवीएम मशीन को निर्धारित बूथ पर ले जाकर उसे तुरंत सक्रिय करा दिया। धन्यवाद।
गोरखपुर संसदीय निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 50 बूथों पर वेबकास्टिंग कराई गई, जिसकी निगरानी कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभागार में एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ की देखरेख में किया गया। इस दौरान कुल 12 कंप्यूटर सेट लगाए गए थे, जिसमें दो दो सेट विधानसभा तथा दो सेट ऑल वेबकास्टिंग पर नजर बनाए हुए थे। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा कोर के कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था, जहां कोई भी व्यक्ति मतदान की गड़बड़ी की सूचना और कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर जानकारी दे सकता था, जिसके लिए क्रमवार अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कंट्रोल रूम से ही लोग मतदान के प्रतिशत की जानकारी भी लेते रहे। इस प्रकार पूरे संसदीय क्षेत्र में जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण ढंग से मतदान को संपन्न करा लिया। गारंटी नहीं है, सभी आ जाता है, सभी को हमारे बड़ा नेटवर्क का दिक्कत है। आपके पास किसी का और अधिकारी का नहीं नंबर है तो रोक लें सर, इंजीनियर वहाँ है सर, सही कर नहीं नहीं सर। चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। लोकसभा के उपचुनाव में हुआ 47.45% मतदान, मतदाताओं में दिखा उत्साह। रिटर्निंग ऑफिसर व डीएम राजीव रौतेला और एसएसपी सत्यार अनिरुद्ध पंकज ने लिया बूथों का जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले किया बूथ पर मतदान, कहा जबरदस्त जीत हासिल करेंगे उपेंद्र दत्त शुक्ला, गठजोड़ की राजनीति से भ्रमित है जनता। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने भी दबाया ईवीएम का बटन, कहा ऐतिहासिक जीत होने जा रही है भाजपा की।
जिला प्रशासन और गोरखपुर न्यूज की अपील का हुआ सीधा असर। नगर निगम चुनाव से भी ज्यादा पड़े लोकसभा उपचुनाव में वोट। गोरखपुर न्यूज ने की थी सेल्फी की अनोखी पहल। मतदान कराकर लौट रही पोलिंग पार्टियां, अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखे गए ईवीएम। कांग्रेस प्रत्याशी सुरिता करीम ने भी डाला अपना वोट। गोरखपुर न्यूज से कहा, जनता चाहती है परिवर्तन। भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल ने किया मतदान, कहा निश्चित होगी जीत। सपा उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने भी किया मतदान, कहा गोरखपुर की जनता देगी साइकिल को आशीर्वाद। ईवीएम की खराबी से मतदाताओं में रोष, प्रशासन ने दिखाई मुस्तैदी, तुरंत बदला ईवीएम मशीन। गोरखपुर के घोसीपुर का है मामला। और 50 बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए की गई निगरानी, कंट्रोल रूम से मिलता रहा पल पल का खबर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।